हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजो। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आखिरकार अपनी रियल लाइफ फ्रेम कहानी को रियल लाइफ लव स्टोरी में बदल दिया है। इन दोनों लव बर्ड्स ने 7 फरवरी को परिवार और करीबी दोस्तों के बीच जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी कर ली। उनकी शादी 3 दिनों तक चली थी जो 5 फरवरी से शुरू हुई थी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी शादी से 3 प्यारी तस्वीरें साझा की है। पहली तस्वीर जो दोनों ने साझा की, इनमें आमने सामने बैठे हुए देख सकते हैं और हाथ जोड़े हुए वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको उनकी शादी की अंगूठियों की झलक देखने को मिल रही है। कियारा आडवाणी की सगाई की अंगूठी की एक बड़ी अनकट हीरे की अंगूठी है। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने सादा सहरा चुना। उन्हें एक साधारण गोल्ड का शादी का बैंड पहने देखा जा सकता है जो चिकना लेकिन स्टाइलिश है और पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व के साथ मेल खाता है। कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बड़े दिन की तस्वीरें साझा की। वास्तव में वो एक शानदार दुल्हन के लिए बनी थी। दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा किसी भारतीय राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। वो एक खूबसूरत जोड़े की तरह लग रहे थे और उम्मीद के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें भी उतनी ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कियारा ने एक बेबी पिंक लहंगा चुना जबकि सिर्फ ऑफ व्हाइट रंग की शेरवानी में सुनहरे रंग की कढ़ाई के साथ खूबसूरत लग रहे थे। पहली तस्वीर में हम सिद्धार्थ और कियारा दोनों को हाथ जोड़कर और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ एक दूसरे के विपरीत बैठे देख सकते हैं। अगली तस्वीर में हम उन्हें उज्जवल मुस्कुराते हुए देख सकते हैं जबकि वो मंडप पर बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। और तीसरा सबसे प्यारा है जब सिद्धार्थ अपनी पत्नी के गालों पर चुंबन लगाते हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कियारा ने लिखा, अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। बिग बॉस 16 में किसका चलना है? सच कहें तो सीजन 16 में बस और बस अशरा गौतम ही चलना है, लेकिन क्या फायदा इतना चलने के बाद भी बीबी 16 की शान अर्चना गौतम शो जीतती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अरे चौकिए मत, फिनाले अभी हुआ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही लहर तो यही बताती है। अर्चना जिन्होंने पूरे शो को चलाया वो ट्रॉफी जीतने के रेस से बाहर होती दिख रही हैं। ज्यादातर देखा गया है कि कलर्स का फेस ही बिग बॉस का विनर बना है। रुबीना दलेक, दीपिका का कर्ज, धार शुक्ला जैसे कई नाम हैं जिन्होंने चैनल संग काम किया और विनर भी बने। क्योंकि प्रियंका चैनल का फेस है इसलिए इस दफा प्रियंका को विनर बताया जा रहा है। अर्चना ना ही कलर्स का फेस है और ना ही किसी शो की बहू। दूसरा, अर्चना मिड सीजन शो से बाहर गई थी। गौहर खान को छोड़कर कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट आज तक विनर नहीं बना जो बाहर जाकर लौटा हो। माना कि अर्चना गौतम एंटरटेनमेंट क्वीन है, इस सीजन उन्होंने अपनी कॉमेडी और अतरंगी हरकतों से ऑडियंस को खूब हंसाया, पर इससे उलट अर्चना का एक दूसरा साइड भी है जहां वे पूरी तरह नेगेटिव दिखी हैं। एक्ट्रेस की इमेज कॉमेडियन के साथ साथ वाम की भी बन गई है। कई लोगों को उनकी आवाज, उनका बोलचाल और शब्द चुभते हैं। जब जब अर्चना हंसी है पूरा घर हंसा है और जब उनका पारा हाई हुआ और सातवें आसमान पर पहुंचा तो ऑडियंस पर भी कहर बरपा है क्योंकि गुस्से में अर्चना बेहद इरिटेटिंग लगी हैं। अर्चना के बिगड़ते बोल और विवादित कमेंट्स ने उन्हें नेगेटिव बनाया है। वो दिन गए जब लोग अपने रिश्ते को खत्म करने के बाद अपने एक्स से सभी रिलेशनशिप तोड़ लेते थे। आज अलग होने के बावजूद भी कई एक्स एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। बॉलीवुड के कई ऐसे सेलेब्स इसका उदाहरण भी पेश करते हैं जो ना केवल अपने एक्स के फ्रेंड हैं बल्कि उन्होंने खुशी खुशी उनकी शादी भी अटेंड की है। इनमें रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा से लेकर शाहिद कपूर तक तमाम सेलेब शामिल हैं जिन्होंने अपने एक्स की शादी में खुशी खुशी शिरकत की। बात करते हैं नीरू मोरिया और बिपाशा बसु। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे। राज जोड़ी 1946 से 2002 तक रिलेशनशिप में रही। दोनों के फैंस इनकी शादी का वेट कर रहे थे लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया, पर दोनों की अपनी लाइफ आगे बढ़ गई। हालांकि डीनू और बिपाशा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बने रहे। बाद में बिपाशा ने करण सिंह ग्रोवर से शादी की तो डीनू भी कपल की शादी में खुशी खुशी शरीक हुए। रणवीर कपूर और सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कुछ खबरों की माने तो कुछ समय तक डेटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रिश्ता अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुआ, बावजूद उसके सालों बाद रणवीर सोनम कपूर की शादी में शामिल हुए। रणवीर सिंह ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी आहना देओल को डेट किया। थोड़े समय के लिए रिश्ते में थे लेकिन बाद में सब कुछ खत्म हो गया और वो उसकी शादी में भी पहुंचे थे। अनुष्का शर्मा रणवीर सिंह ने भी कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया। इस जोड़ी ने बैंड बाजा बारात में एक साथ काम किया और फिल्म में उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री को दर्शकों से बहुत प्यार और सराहना मिली। हालांकि थोड़े समय बाद वे अलग हो गए, वे दोस्त बने हुए हैं और अब भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा कमीने की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के नजदीक आए थे। हालांकि शाहिद और प्रियंका दोनों ने अपने रिश्ते से इनकार ही किया और उस पर चर्चा करने से परहेज किया। उनके रूमर्ड अफेयर ने तब सुर्खियां बटोरी जब इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका के घर आए और शाहिद ने दरवाजा खोला। सालों बाद जब प्रियंका ने 2018 में रिक जोनास से शादी की तो शाहिद ने अपनी प्यारी पत्नी मीरा राजपूत के साथ उनकी शादी रिसेप्शन में शिरकत की। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।